हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी गार्लिक मशरूम मंचूरियन की एक बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है मशरूम, और मशरूम को हमने धुल लिया है। तब हम लोग मशरूम को साफ़ कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके आगे का छिलका थोड़ा निकाल लेते हैं और पीछे से थोड़ा सा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर इसका ऐसे छिलका निकाल लेंगे। ऐसे ही हम लोग सारे मशरूम के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने मशरूम को पीछे से थोड़ा कट कर लिया और आगे से छिलका निकाल लिया है, और इसे एक और बार अच्छे से धुल लिया है। तो अब हम लोग मशरूम को उबाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गैस पे पतीला चढ़ाया है, इसमें हमने डाला है पानी। तो पानी को उबलने देंगे और इसमें हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। अब पानी में उबाल आने देंगे। तो अब हम लोग इसको उबाल लेते हैं। तो पानी यहाँ पे उबल गया और अब हम लोग इसमें डाल देते हैं मशरूम, और मशरूम को हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक उबाल लेंगे। तो आज जैसा कि आप सब देख सकते हैं, तो 3 से 4 मिनट हो गए, मशरूम यहाँ पे हमारे उबल चुके हैं। तो अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और हमने इसका पानी हमने निकाल लिया है, और फिर इसको नल के ठंडे पानी से धुल लिया है, और मशरूम में पानी रहना नहीं चाहिए। तो अब हम लोग मशरूम को कट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आप मशरूम कट कीजिए, और इसमें पानी नहीं है। तो अब हम लोग मशरूम को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच मैदा। ये देखिए इस चम्मच से हम लोग 3 चम्मच डाल रहे हैं, और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच के करीब, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, जो ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा थिन। आपको बैटर ऐसा रखना है जिसमें मशरूम अच्छे से डिप हो जाए और उसमें बैटर लग जाए। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो अब हम लोग गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, और इसमें हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। इतना आपको तेल डालना है जितने में आपके मशरूम फ्राई हो जाएं। और अब हम लोग तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल जब तक गर्म हो रहा है, हम लोग मशरूम कोट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैदा और कॉर्नफ्लावर के घोल से हम लोग अच्छे से मशरूम कोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मशरूम कोट हो जा रहे हैं मैदा और कॉर्नफ्लावर से, यानी कि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट बना है। और तेल हमारा यहाँ पर गर्म है, तो इसमें ये डाल देते हैं मशरूम। ऐसे ही हम लोग सारे मशरूम डाल देंगे, और अब हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मशरूम फ्राई हो गए हैं, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं जिससे ये क्रिस्पी भी हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारे मशरूम अच्छे तरीके से फ्राई और क्रिस्पी हो गए, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखने में इतने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब हम लोग बनाएंगे ग्रेवी। तो हमने लिया है 1 शिमला मिर्च, इसे कट कर लिया है, 1 प्याज, थोड़ी सी अदरक इसे कट कर लिया है, लहसुन इसे भी काट लिया है, और 1 प्याज जिसे हमने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो ये देखिए, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसका एक घोल तैयार करेंगे।
तो आपको अच्छे से मिक्स करना है, घोल में लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लिया है। और अब हम लोग शिमला मिर्च और प्याज को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग उसी तेल में इन दोनों को भी डाल के बहुत ही हल्का सा मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपको इसे फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पे ये भी फ्राई हो गए हैं थोड़े से, तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो ऐसे इसे कलछुल की मदद से कढ़ाई के कोने पे लगा देते हैं जिससे जो तेल है वो निकल जाए। तो ये देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और अब हम लोग इसको साइड रखेंगे। तो उसी कढ़ाई में जितना तेल था उसमें से हमने 3 चम्मच तेल बचा लिया और तेल निकाल लिया। और इसमें हमने डाला कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। गैस का फ्लेम हाई रहेगा और हम लोग इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज। इसे हमें लाल नहीं करना है। तो इन सबको मिला लेते हैं। और अब हम लोग इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। तो ये देखिए इसे भी मिला लेते हैं। तो अब करेंगे गैस का फ्लेम लो और इसमें डालेंगे हम लोग सॉसेस। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। एक चम्मच विनेगर। और 1 चम्मच रेड चिली सॉस। और अब हम लोग इसमें डालते हैं बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। और अब हम लोग इसमें डाल देते हैं फ्राई किए हुए मशरूम। इसे मिला लेते हैं। इसे हमने मिला लिया। अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है तो आप अपने हिसाब से डालिए नमक। और इसे भी मिला लेंगे। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं वो कॉर्नफ्लावर वाला पानी। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे इसे ऐड कर रहे हैं। इसे भी मिला लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी खानी है आप उतने हिसाब से इसमें पानी डालिए। अगर नहीं खानी है तो फिर आप पानी थोड़ा सा ही डालिए। और इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। और अब हम लोग इसे ढक देते हैं। तो अब हम लोग इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, तो जिससे जो मशरूम है वो सारे सॉसेस के साथ पक जाए। और यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा गार्लिक मशरूम मंचूरियन बनके तैयार है। आखिरी में डालते हैं धनिया पत्ता और चलिए इसे अब सर्व करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और एकदम बनाने में आसान है। तो आप एक बार इस बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी गार्लिक मशरूम मंचूरियन को ट्राई कीजिए। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में पता चलेगा। कॉमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए कि हम अपनी वीडियो कैसे इम्प्रूव करें। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।